तो अब बारी आती है करवा माता को तिलक लगाने की और जोत जलाने की। तो सबसे पहले मैं करवा माता को तिलक लगा लेती हूँ और अब मैं फिर अगरबत्ती से जोत जलाती हूँ, क्योंकि अगरबत्ती से जोत जलाना शुभ माना जाता है, इसलिए हमारे वहाँ अगरबत्ती से ही जोत जलाया जाता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले पार्वती माता का करवा का जोत जला रही हूँ, इसके बाद अपने का, और फिर मैं यहाँ पे अगरबत्ती लगा के और जो है कि 13 बिंदिया को तिलक लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सभी को तिलक लगा लेती हूँ, उसके बाद करवा पे 13 बिंदिया को तिलक लगाऊंगी। तो देखिए यहाँ सभी को लगा दिया मैंने और अब 13 बिंदिया की बारी आ गई है, तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ अब। और इसके बाद जो है कि देखिए, और फिर चीनी का करवा जो है उस पर भी तिलक लगा लेती हूँ, इसके बाद प्रणाम कर लेती हूँ। तो फाइनली जो है कि हमने सभी पे तिलक लगा लिए, फ्रूट रह गए थे, फ्रूट्स पे भी लगा दिया और अब मैं प्रणाम कर लेती हूँ। तो करवा माता का सबसे पहले आशीर्वाद ले लेती हूँ, इसके बाद जो है कि कटोरी में रखा हुआ प्रसाद रखूंगी। तो अब मैं इसे रख देती हूँ और अब कथा सुन लेती हूँ। तो यहाँ पे कथा शुरू हो गया है और मैं बैठ गई हूँ कथा सुनने। तो हस्बैंड जी कथा कह रहे हैं और मैं जो है कि सुन रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में दूसरा कोई करवा नहीं करता है, तो इसलिए यहाँ पे मैं अकेली हूँ, तो इसीलिए हम दोनों लोग आपस में कह सुन लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे पतिदेव जी करवा का बुक लिए हैं और कथा सुना रहे हैं और मैं बैठ के सुन रही हूँ, और अध्याय लगभग पूरा होने वाला है। तो आप सभी को मेरा करवा चौथ का पूजा कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए यहाँ पे अध्याय पूरा हो चुका है लगभग, थोड़ा सा ही बच गया है और तो ये भी हो जाएगा। और अब बारी आती है आरती करने की, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आरती कर लेती हूँ, फिर जो है कि चंद्र पूजन के लिए थाली तैयार करूँगी। तो देखिए यहाँ पे फाइनली कथा सुन के आरती कर ली और अब मैं रख लेती हूँ, चंद्र पूजन की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 केला, बतासा और सेब और जो पिट्ठी बनाई थी वो लिया है और रसगुल्ला लिया है, बाकी जोत ली हूँ और सिंदूर ली हूँ और छलनी लोटा, तो इन सब को मैं तैयार कर लेती हूँ और जब चंद्रोदय होगा तो मैं छत पे चली जाऊँगी। तो फाइनली काफ़ी देर बाद चंद्रोदय हुआ है, तो अब मैं जा रही हूँ। तो आइए आप लोग भी मेरे साथ छत पे चलिए, देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। और छत पे आने के बाद मुझे मतलब मैं वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि काफ़ी अंधेरा था और दूसरा कोई था नहीं कि मेरा वीडियो शूट करे, तो हम दोनों लोग ही थे, तो दोनों लोग ही काम में बिजी थे, इसलिए नहीं जो है कि अर्घ देने का और पानी पिलाने का नहीं बना पाई वीडियो। तो अब मैं जा रही हूँ तुलसी पूजन करने। तो फाइनली मेरा पूजा संपन्न हुआ तुलसी पूजन करने के बाद से, और अब मैं आ जाती हूँ नीचे। और आप सभी से उम्मीद करती हूँ कि मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे वीडियो का एक एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल गाइज।